और अब जो है हिंडन महोत्सव 3 दिवसीय आयोजित हुआ। उत्थान समिति ने इसका आयोजन किया और आज डॉक्टर जितेंद्र नागर जी के सहयोग और सानिध्य से हिंडन मंथन भी हुआ। बहुत ही कमाल की ऊंचाइयां छुई हैं इस आयोजन ने, बा कमाल आयोजन रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबकी कर्मठता को, मेहनत को, बहुत बहुत धन्यवाद भी आप सबके सहयोग के लिए। और आज जो है ये समापन है इसका, और अब जो है आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इस विचार और इस सोच के साथ कि जिस उद्देश्य से ये आयोजित किया गया कार्यक्रम, हम उस सोच को जारी रखें और पर्यावरण को बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अपने ही घरों से शुरुआत होती है, अपने ही घर से शुरुआत होती है, और हम सभी को ही ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रशासन का ही काम है, सिर्फ प्रशासन ही देखे और प्रशासन को ही ऑक्सीजन चाहिए, हम सबको नहीं चाहिए। या हम सबको पानी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रशासन को ही चाहिए। हम सबकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये जिंदा रहने के लिए, तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि प्रकृति को बचाया जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और अब अलका जी जो हैं वो कुछ कहना चाह रही हैं, मतलब कहना नहीं चाह रही हैं, कुछ गाना चाह रही हैं, तो उनके गायन के साथ समाप्त करेंगे। बस बस बहन जी, एक मिनट बस। मुझे आदेश हुआ है अपनी समिति की तरफ से, कार्यक्रम खत्म है, अब कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन मैं पुनः, क्योंकि वैसे अध्यक्ष से भाषण के बाद कोई बोलने का औचित्य नहीं होता, ना मैं बोल रहा हूँ, पर फिर भी मैं उत्थान समिति की तरफ से और EHDA की तरफ से आपका बहुत बहुत से हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप आए। पुणे में कहना चाहता हूँ कि ऐसी विषम परिस्थितियों में सबसे पहले तो वेन्यू हमारा फॉरेस्ट एरिया में, आधे लोगों को ये आइडिया नहीं किस गेट से अंदर आए। दूसरा, कोरोना का इतना प्रकोप बढ़ गया है दोबारा से। तीसरा, शहर में धारा 144 लगी हुई है, जिससे मैसेज है कि कोई कार्यक्रम नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप आए, रुके रहे, पूरा समय दिया, तो मैं अपने जो हमारे चीफ गेस्ट, चीफ स्पीकर जो मंचा सिंह है, उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और आपका भी। आप प्रयाण के लिए सच्चे प्यारी हैं, और अब हम मिलके एक शुरुआत है। संजय जी बैठे हुए, नदीम जी बैठे हुए, सत्येंद्र जी, सारे मिलके हम जितना हो सकेगा, अब इसमें भी लाखों लोगों की भागीदारी की जरूरत है। हम लोग DFO मैम भी कह के गई है, आप पेड़ लगाइए, और एक जन भागीदारी, सरकार, शासन, प्रशासन और शहर के नागरिक, तीनों मिलके जब तक हम चेतना के वसीभूत होकर काम नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बनेगी। मैं सिर्फ धन्यवाद करना आया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हमें अपेक्षा रहेगी आपके आपकी उपस्थिति की। नमस्कार बहन जी, विलंब, आप गाना सुनाइए। नारी शक्ति मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो एक माँ के लिए है, माँ अपनी बेटी के लिए गा रही है, लोरी समझ लीजिए आप। संसार
नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी इस पार कभी उस पार कभी इस पार कभी बहुत शुक्रिया। और बहुत प्यारी आवाज है आपकी, बहुत मधुर आवाज है।